देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे खबर से न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूं जुगल किशोर, आप देख रहे हैं खबर सुनसी न्यूज चैनल। आज जौनपुर में अपना दल यश के कार्यकर्ताओं की विधान परिषद सदस्य आशीष सिंह पटेल के साथ खास बैठक संपन्न हुई। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता आशीष सिंह की यह रिपोर्ट। मरियावटा बोला में अपना दल यश के कार्यकर्ताओं के साथ विधान परिषद अध्यक्ष आशीष सिंह पटेल ने सदस्यता अभियान को लेकर जौनपुर जिले की समीक्षा की और सभी लोगों को अपने कार्य में जुट जाने के लिए कहा। जैसे डाक बंगला पहुंचे सभी कार्यकर्ताओं ने नारे के साथ माला पहनाकर स्वागत किया। इस कार्यक्रम में जिले के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे, जिसमें मुख्य रूप से मड़ियाओं विधायक डॉक्टर लीना तिवारी, जिलाध्यक्ष राजनाथ पटेल, प्रदेश सचिव पप्पू माली आदि लोग उपस्थित रहे। न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए, मैं आशीष आज आपको लेकर चलता हूं जौनपुर जिले के अंतर्गत। इस समय हम मड़ियाहूँ तहसील के डाक बंगला में है, जहां पे हमारे साथ में अपना दल यश के विधान परिषद सदस्य व कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष सिंह पटेल जी हमारे साथ में। आइए हम उनसे सीधी जानकारी लेते हैं कि आज मड़ियाहूँ में पूरे जिले के कार्यकर्ताओं की बैठक की गई है, तो इस कार्यकर्ताओं की बैठक के मुख्य उद्देश्य क्या था, थोड़ा उसके बारे में हमारे खबर सुनसी चैनल को आप बताएँ। कल 30 और 31 को जो हमारा कार्यकर्ता जिले स्तर के कार्यकर्ता यहाँ सब इकट्ठे हैं जी। ये 2 जुलाई से प्रारंभ हुए सदस्यता अभियान को मूर्त रूप देने के लिए जो 31 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा जी, उसी के समीक्षा के लिए 30 और 31 में क्या तैयारी है, मैं यहाँ पर आया हूँ जी। बिल्कुल। और सर, एक दूसरा सवाल कि अभी कुछ ही दिन पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, जिसमें योगी मंत्रिमंडल में आपका नाम बहुत तेज़ी से चल रहा था, और जबकि पूर्वांचल में आप अपनी एक छाप रखते हैं और एक मतलब अपना दल यश पार्टी का पूरा प्रभाव है इस पूर्वांचल में जितने भी जिले हैं, तो इसको देखते हुए एक तरह से आपको कोई उसमें कैबिनेट में जगह नहीं दिया गया, इसको लेकर सर आप क्या कहेंगे, थोड़ा इसके बारे में सर बताएँ। देखिए, 2016 में जी, 2014 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद 2016 में अनुप्रिया जी भारत सरकार में मंत्री बनी थी जी, और हम लोग NDA के 2014 में सहयोगी बने हैं जी, और वर्तमान में NDA के साथ हैं। रही बात मंत्रिपरिषद के लिए, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है जी, और हमारी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के साथ NDA के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी जी। बिल्कुल, मतलब आपका जो गठबंधन है लगातार चलता रहेगा। मैंने आपसे पहले भी कहा, हमारा गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जी नेतृत्व में जी जी 2014 में बना था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है जी। बिल्कुल। और एक तीसरा सवाल सर, लास्ट अंतिम सवाल, कि जैसे 2022 का जो अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है, इसमें एक तरह से देखा जाए तो अपना दल यश की जो सदस्यता अभियान है, काफ़ी तेज़ी से लोग जुड़ रहे हैं इस पार्टी से, एक संभावना व्यक्त देख रहे हैं, इसको लेकर सर आप क्या कहना चाहते हैं, इतने तेज़ी से लोग जुड़ रहे हैं। देखिए, हमने दो डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब ने अपना दल को जिस उद्देश्यों के साथ बनाया था जी, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमारी नेता अनुप्रिया पटेल जी लगातार संघर्ष कर रही हैं, समाज के निचले तबके को उसका अधिकार दिलाने के लिए अनुप्रिया जी लगातार संघर्ष, संसद से लेकर के सड़क तक संघर्ष कर रही हैं। और बड़े हर्ष के साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 2 जुलाई से प्रारंभ करके 31 अगस्त तक सभी जिलों में ये सदस्यता अभियान चलाएगा, जो भारी सफल रहा जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही खबरों के साथ हमारे साथ बने रहें। मैं खबर सुमन सिंह न्यूज चैनल के साथ आशीष कुमार सिंह।